हेलो एवरीवन, हाउ आर यू गाइस? आई रियली होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज की जो वीडियो होने वाली है, बहुत छोटी वीडियो होने वाली है, और आप यकीन मानिए, आज की वीडियो के बाद जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, जो आपकी आधुनिक आवर्त सारणी है, वो आपको मिनटों में याद हो जाएगी, क्योंकि इसमें हम यही उसी को याद करने की ट्रिक्स पढ़ने वाले हैं। तो अगर आपको ये याद होगा तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपके लिए सोचना बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो हैं, जब आप प्रैक्टिस सेशंस में और PYQs में करेंगे, और जब मैं आपको एक्सप्लेन कराऊंगी, तो आपको समझ में आ जाएगा कि हम सिर्फ पोजिशन जानकर, हम सिर्फ किसी भी एलिमेंट की जगह जानकर कैसे हम बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ, ये है आपकी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। इसके अंदर हमें कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जो हमें याद करने हैं, कौन कौन सी ऐसी लाइंस हैं जो हमें याद करनी है। तो पहले तो मैं आपको बता दूं, जब हम सीधे जाते हैं नीचे, उनको बोलते हैं ग्रुप यानी वर्ग, और जब ऐसे जाते हैं हॉरिजॉन्टल, या इनको बोलते हैं पीरियड्स यानी आवृत। तो दो चीजें हैं, ग्रुप और आवृत। तो आज जो मैं आपको याद कराने वाली हूं वो है ग्रुप्स। तो एक आपको याद करना है ग्रुप नंबर 1, दूसरा आपको याद रखना है ग्रुप नंबर 2, और उसके बाद मैं आपको बता दूं, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ये जो आधुनिक आवृत सारणी है, इसमें 18 ग्रुप 18 वर्ग होते हैं, और आपके मतलब के जो है, जो आपके कोर्स में है, जो आप जिनसे मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वो है ग्रुप 1, ग्रुप 2 और ग्रुप 13 से लेकर 18 तक। तो आपको ये सारे ग्रुप के एलिमेंट्स याद करने हैं, और इनकी जो ट्रिक है वो बहुत आसान है। बहुत सारे एस्पिरेंट्स ने स्कूल में डेफिनेटली पढ़ी होगी, और जिन्होंने नहीं पढ़ी तो वो आज पढ़ लेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ग्रुप नंबर 1 की। ग्रुप नंबर 1 में जो एलिमेंट्स हैं उन्हें याद करने के लिए एक छोटी सी ट्रिक है जो आपको याद रखनी है, लीना करे रब से फरियाद। यानी ग्रुप 1 में क्या है, लीना करे रब से फरियाद। लेकिन एक बात और, आपको इतनी लंबी याद रखनी ही नहीं है, क्योंकि आपको जिनसे लेना देना है, वो कौन से एलिमेंट्स है जिनसे आपको लेना देना है। नॉर्मली आपको पता है जितने भी ये तत्व है ना, इनका सबका एक एक संख्या होती है, तो आपको सिर्फ 20 संख्या तक याद करने हैं। तो हालांकि मैं आपको याद तो सारे कराऊंगी, पूरी की पूरी लाइन लीना करे रब से फरियाद आप देख सकते हैं, मैंने लिखा हुआ है ट्रिक में, लीना करे रब से फरियाद। ली LINAK रब RB रब CS से और फरियाद FR। तो आप समझ सकते हो इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबीडियम सीजियम और फ्रेंशियम। पर हमें इनसे लेना देना नहीं है, हमें सिर्फ शुरुआत के 3 एलिमेंट से लेना देना है। क्वेश्चन इन्हीं के ऊपर आता है, लिथियम सोडियम और पोटेशियम, लीना के। अब मैं बात करती हूं ग्रुप नंबर 2 की। तो ग्रुप नंबर जो 2 है, आप कहानी की तरह याद करोगे, होगा क्या, सबसे पहले भगवान से प्रार्थना कर ली, तो लीना करे रब से फरियाद। आपने प्रार्थना में मांगा क्या, हमारा दिमाग उस टाइम खराब हो गया, और हमने प्रार्थना में मांगा कार और स्कूटर। तो दूसरे नंबर पे आएगा बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप रे, आगे BA और RA आएगा, लेकिन उनसे हमें लेना देना नहीं है। फिर से बोल रही हूं, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रे। तो इनके अंदर भी कौन कौन से एलिमेंट्स जो याद रखना है, BE बेरिलियम, MG मैग्नीशियम, CA कैल्शियम और SR स्ट्रॉन्शियम। बल्कि स्ट्रॉन्शियम का भी कोई क्वेश्चन नहीं आता, वो तो मैं बस आपको बता रही हूं। तो बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रे, बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम स्ट्रॉन्शियम, ये है आपके ग्रुप नंबर 2। आपका केमिस्ट्री में पूरा चैप्टर कवर किया है, और उसमें से सिर्फ ये ट्रिक है जो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, क्योंकि जब आप जितने भी एस्पिरेंट्स हैं जो क्लासेस कवर कर रहे हैं, वो ऑलरेडी आप लोगों को मैं बता चुकी हूँ, ये उसमें पूरा समझाया है। इसके बाद हम बात करते हैं ग्रुप नंबर 13 की। आप देख सकते हैं मैंने ग्रुप 2 में यही लिखा है, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रे, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रे। तो बे से बना BE, उसके बाद मांगे MG, कार CA, स्कूटर SR। तो यहां तक याद करने, बाप रे वो है, जो भी आपको करना है वो बाद के एलिमेंट्स आपको नहीं करने हैं। इसके बाद हम बात करते हैं ग्रुप 13 की। देखो, तो भगवान से प्रार्थना करने पे आपने कार और स्कूटर मांग लिया, फिर आपके दिमाग में आया कि खाने के लिए तो कुछ है ही नहीं, है ना, तो तीसरे नंबर पे आपने मांगा कुछ खाने के लिए। तो ग्रुप 13 में खाने के लिए आप क्या मांगोगे, हरी सब्जियां, बैंगन आलू गोभी, बैंगन
आलू गोभी इन थैला, लेकिन फिर से इन थैला का कोई काम नहीं है, गोभी का भी कोई काम नहीं है, आप देख सकते हो, बैंगन आलू गोभी इन थैला। बोरोन, ये आ गया आपका बोरोन, ये आ गया एल्यूमिनियम, और ये आ गया गैलियम। गैलियम की भी ऐसा सच कोई नीड नहीं है, लेकिन एक एक्स्ट्रा एलिमेंट मैं आपको करा रही हूँ, बोरोन एल्यूमिनियम और गैलियम। और आप इसको याद करके कैसे क्वेश्चन सॉल्व करोगे, ये आपके प्रैक्टिस सेशंस और पीवाईक्यूज में आपको पूरा क्लियर कर दिया जाएगा, पर ये इस तरीके से आपको बहुत आराम से पीरियोडिक टेबल पूरी लर्न हो जाएगी। इसके बाद हम बात करते हैं ग्रुप 14 की। तो पहले नंबर पे आपने प्रेयर की, दूसरे नंबर पे आपने कार स्कूटर मांग लिया, फिर आपको याद आया खाने के लिए कुछ नहीं है, राइट। फिर आपने क्या कहा कि अब आपको खाने के लिए मिल गया, अब आपको याद आया पढ़ाई बहुत जरूरी है, तो आपने पढ़ाई करने का प्रण लिया। तो पढ़ाई के लिए आप कहाँ जाओगे, आपने बोला मैं स्कूल वगैरह कहीं नहीं जाऊंगा, सीधा जाएंगे कॉलेज। तो कॉलेज स्टूडेंट्स गेट सम प्रॉब्लम, कॉलेज के बच्चों को कुछ प्रॉब्लम हुई, कॉलेज स्टूडेंट्स गेट सम प्रॉब्लम, आप देख सकते हैं कॉलेज स्टूडेंट्स गेट सम प्रॉब्लम। और हिंदी में भी इसको इस तरीके से याद मत करना, कॉलेज के बच्चों को कुछ प्रॉब्लम हुई, ये आपकी पहचान ऐसे बनेगी, कॉलेज स्टूडेंट्स गेट सम प्रॉब्लम। तो आप देख सकते हैं कार्बन सिलिकन जर्मेनियम, तो आपको ये याद रखने हैं, सिर्फ जर्मेनियम भी नहीं जरूरत पड़ेगी, आपको कार्बन और सिलिकन की जरूरत पड़ेगी, दैट्स इट। इसके बाद मैं अगली बात करूं तो आप कॉलेज जा चुके हो, राइट, है ना, सबसे पहले प्रेयर कर ली, उसके बाद आपने कार स्कूटर मांग लिया, फिर आपने खाने पीने के लिए मांग लिया, फिर आप पढ़ाई के लिए चले गए, पढ़ाई करके आए हो, तो आपको क्या पढ़ना आया, आपको सिर्फ न्यूज़पेपर पढ़ना आया। तो अगला है न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर आज सब बिक गए, न्यूज़पेपर आज सब बिक गए, आप देख सकते हो ग्रुप 15 यही होगा, न्यूज़पेपर आज सब बिक गए। आपको कौन कौन से एलिमेंट्स का ध्यान रखना है, न्यूज और पेपर, नाइट्रोजन और फास्फोरस। अब आपने न्यूज़पेपर पढ़ना सीख लिया और न्यूज़पेपर में आपको सिर्फ दो ही खबर दिखी, एक थी टेररिस्ट की ओसामा और एक थी फसलों के ऊपर यानी किसान के ऊपर। तो अगली सबसे पहली जो प्रायोरिटी की है वो है हमारे टेररिस्ट की, तो ओसामा से तेरे को पिटवाऊंगा, ये है ग्रुप 16, ओसामा से तेरे को पिटवाऊंगा। और आप देख सकते हो इसमें यही है, ओसामा से तेरे को पिटवाऊंगा, ओसामा से तेरे को पिटवाऊंगा, लेकिन इसमें कौन कौन से लर्न करने हैं, सिर्फ ओ और एस, ओसामा, ठीक है, तो ओ और एस, ऑक्सीजन और सल्फर। अब आपने अगली कौन सी जो पढ़ी है खबर, जैसे न्यूज़पेपर में आपने सिर्फ दो खबरें पढ़ी थी, एक ओसामा की थी और एक और थी, वो थी फसलों के ऊपर, तो फसल बर्बाद हो गई, तो फसल बर्बाद, FClBr, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन तीनों करने हैं। इसके बाद वैसे आयोडीन भी आता है, तो आपको FCl और Br करना है। तो ये है ग्रुप 17 तक, ग्रुप 18 होता है हमारा निष्क्रिय गैसेस जो होती हैं, जो रिएक्शन ही नहीं करती हैं, उनका ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी आपको मैं बता देती हूँ, ग्रुप 18 जो है उसमें है हीलियम, नियोन, आर्गन, ठीक है, कैसे याद रखोगे, हीना, हीना मेहंदी होती है ना, तो हीना अर, HENEAR, हीलियम नियॉन आर्गन। तो ये है आपकी पीरियोडिक टेबल जो आपको लर्न करनी है, और इसके बेसिस पे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। ग्रुप 1 में आपने लीना ने रब से फरियाद मांगी है, ग्रुप 2 में उसने क्या मांगा, बेटा मांगे कार स्कूटर, 13 पे आएंगे सीधा, बीच वाले एलिमेंट्स नहीं करने हैं। 13 में आपको याद आया कि आपने कार स्कूटर मांग लिया, खाने के लिए कुछ नहीं है, तो बैंगन आलू आपने मांगे हैं। ग्रुप 14 में पढ़ाई, कॉलेज में जाओगे सीधा, ग्रुप 7 उसके बाद आ जाते हैं, 15 में न्यूज़पेपर पढ़ना सीख लिया आपने कॉलेज में, न्यूज़पेपर में दो ही खबर है, ओसामा की और फसलों की, और लास्ट है इनर्ट गैसेस। तो ये थी एक बहुत शॉर्ट तरीका जिससे आपको पूरी की पूरी पीरियोडिक टेबल लर्न हो सकती है, सारी ट्रिक्स लिखी हुई हैं, फसल बर्बाद, ओसामा से तेरे को पिटवाऊंगा, सारी की सारी लिखी हुई हैं, जरूर इसको लिख कर देख लीजिएगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि सल्फर है, कहीं पे सल्फर को एस, मतलब कहीं पे हमने एस लिखा है, कहीं पे एस ई, तो ये लिख कर जरूर देख लीजिएगा। तो ये थी आपकी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल यानी जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसके ट्रिक, उसको लर्न करने की जो ट्रिक है।
तो अब मैं आपसे कुछ बात करना चाहूंगी. आपको पता है एसएससी के रिगार्डिंग अपडेट्स के लिए आपको एक स्टॉप पे रुकना है, वो है आरआरबी. तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. प्लेलिस्ट बना दी गई है तो सारी वीडियोस आपको दिख जाएंगी. अगर आपको कोई भी वीडियोस हैं, और इसके अलावा एक अलग से प्लेलिस्ट बना दी जाएगी जिसमें सारी ट्रिक्स आपको एक जगह मिल जाएंगी, ताकि आप शॉर्ट शॉर्ट ट्रिक्स देखकर आपको सब कुछ शॉर्ट में, जितने भी एस्पिरेंट्स हैं जिनको किसी टॉपिक में प्रॉब्लम हो रही है तो वो बता सकते हैं, उसकी ट्रिक्स अपलोड कर दी जाएगी. साथ ही साथ अगर आपको पूरा साइंस का फाउंडेशन पूरा पढ़ना है फ्रॉम ए टू जेड, तो आप जो है पेड बैच ले सकते हैं. यू कैन डाउनलोड आर ऐप एंड एनरोल इन द सब्सक्राइब इन द बैचेज ऑल्सो. और ये स्टार्टिंग में जो प्राइस रहेगा सिर्फ 500 स्टूडेंट्स के लिए 399 रहेगा, अदरवाइज 500 प्राइस है. इसके अलावा आपको उसके अंदर प्रैक्टिस सेशंस वगैरह सब अपलोड होंगे, PYQ सेशन अपलोड होंगे. आप देख सकते हैं जब आप ऐप डाउनलोड करेंगे तो ऑल कोर्सेज में हमारा कोर्स आपको पहले दिख जाएगा. साइंस का अप्रोक्सीमेटली सारा कोर्स कंप्लीट हो चुका है, बायोलॉजी कंप्लीट हो चुकी है, फिजिक्स कंप्लीट हो चुकी है, केमिस्ट्री भी मोर देन हाफ ऑफ द सिलेबस हैज ऑलरेडी बीन कंप्लीटेड और वो अपलोड भी हो चुका है. आप देख सकते हैं सब कुछ, आपको वहाँ पे सारा कंटेंट मिल जाएगा, सारी की सारी वीडियोज आप देख सकते हैं, साथ साथ PDF भी आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं. इसके अलावा मैथ्स के लिए भी अगर आपको सब्सक्रिप्शन चाहिए, अगर आपको कोर्स करना है, तो यू कैन डाउनलोड आर ऐप और आप एनरोल कर सकते हैं बैचेस के अंदर. थैंक यू सो मच. दैट्स इट फॉर टुडे एंड हैव अ वेरी नाइस डे.